بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله. اللهم صل على محمد. درود بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, दुआ के लिए हाथ उठाइए। पाले वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। पाले वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता कायदे मिलत जाफर आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब, रहबर मुअज़्ज़म, मराज इज़ाम, तमाम वो उलमा कराम जो दीन की खिदमत कर उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा दे। बानियान मजलिस के मरहूमिन की मगफरत फरमा दे। बानियान मजलिस की हाजात को रवा फरमा दे। हम सब की दुआओं को कबूल फरमा दे। बे औलादों को औलाद सालेहाता फरमा दे। बेटियों के रिश्ते नहीं पहुँचे रिश्ते फराम फरमा दे। ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा दे। उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले। ऐसे ग्रामी वक्त क्योंकि बहुत कम है, आगे के प्रोग्राम हैं, इसलिए मैंने बानी से दरख्वास्त की थी कि मुझे जल्दी वक्त दे दिया जाए। आज हम सबसे पहले तो इन्हदाम जन्नतुल बकी की तकरीबन इस्लामी तारीख के लिहाज से 100 साल मना रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा के दिल पर एक बहुत बड़ा दाग है। और ये हमारी किस्मत है कि हम उनके मानने वाले हैं कि जब वो ज़िंदा थे तब भी उन पर जुल्म हुए और जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए तब भी उन पर जुल्म हुए। मौलाना एक और दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। उस पे यार बैठे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। तो ये एक ऐसा दाग है कि जो हमारे दिलों में लगा हुआ है और हम इस पर अफसोस भी करते हैं। और आज हम खुसूसन ये दुआ करते हैं कि पालने वाले जल्द अज़ जल्द जन्नतुल बकी की तामीर फरमा दे और पालने वाले जल्द अज़ जल्द तामीर के साथ साथ हमें उसकी ज़्यारत भी नसीब कर दे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। रामी जिस ज़माने से गुजर रहे हैं उस ज़माने में दो ही मकतब बाकी रह गए हैं, एक हुसैनी मकतब एक यजीदी मकतब। इसके अलावा कोई मकतब बाकी नहीं है। हुसैनी मकतब वाज़े तौर पर सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी मकतब के पैरोकार तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आज़ादारी एक कदम भी पीछे नहीं हटी है। यजीदी मकतब अपना काम आगे बढ़ा रहा है और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले कर रहा है। उसे पता है कि जब तक हुसैनी मकतब बाकी है हमारा यजीदी मकतब कामयाब नहीं होगा। हुसैनी मकतब का काम है कि बेटियों को पर्दा करवाएं, यजीदी मकतब का काम है बेटियों से मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एकदम से बात ख़त्म कर दूँगा, पर्दा हटा दे। हुसैनी मकतब की कोशिश है कि इंसान को इंसान का दर्द महसूस कराए, यजीदी मकतब का काम यह है कि इंसान को इंसान का दुश्मन बनाए। हुसैनी मकतब का काम यह है कि इंसान को अल्लाह के सामने झुकाने की तौफीक दिलाए। यजीदी मकतब का काम यह है कि इंसान को अल्लाह के सामने सजदा करने से रोके। एक पूरा महीना आपने रोज़े रखे, इबादतें की, दुआएं जोशन कबीर पढ़ी, कुरान के अमाल किए, दुआएं की, पूरा महीना आप इबादतों में लगे रहे। जैसे महीना ख़त्म हुआ आपने देखा कि वो लज्जत इबादत की ख़त्म हो गई, वो लज्जत जो माह रमज़ान में इबादत की मिलती थी वो ख़त्म हो गई। इसीलिए कि हमारे अतराफ में ऐसी चीज़ें ला के रख दी गई हैं कि माह रमज़ान की जान के जाने के साथ ही इबादत की लज्जत का ख्याल ही ना है। वो कुरान मजीद जो रोज़ 30 दिन पढ़ते रहे, कम से कम एक एक सिपारा पढ़ते रहे या कम से कम मस्जिद में जाके सुनते रहे, आज पूरा
पांचवा दिन या छठा दिन गुजर चुका है, कुरान मजीद छठा पांचवा दिन गुजर रहा है, कुरान मजीद अक्सर जगहों पर खुला नहीं है। याद रखिएगा, हुसैनी मकतब के पैरोकारों को यजीदी मकतब का मुकाबला करना है, कैसे करेंगे? इसका तरीका एक ही है कि इंसान मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ जाए। अगर मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ लिया तो फिर आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हुसैनी बने रहे, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को न समझा, तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिरी तौर पर हुसैनी है लेकिन कहीं कहीं जाकर वो फिसल सकता है। और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है? इन्नी लमखरुज अशरन वला बतरन वला ज़ालिमन वला जायरा बल खरजतु लितलब अलइस्लाह फी उम्मत जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरु बसीरत जद्दी व अबी। मैं आमर बिल मारूफ के लिए निकला हूँ, मैं नहीं अनिल, मेरी बात नतीजे तक पहुँच गई, मैं घंटा भर गुफ्तगू करने का आदि भी नहीं हूँ। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वो अमल है कि अगर उसको समझा नहीं और समझकर उस पर अमल किया नहीं तो लाख हम कहते रहे हुसैनी हैं, हुसैन से पूछना पड़ेगा क्या वो हमें हुसैनी मानते हैं। अमर मारूफ क्या है कि जहाँ भी आप देखें अच्छाई से लोग दूरी कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छाई की तरफ तरगीब दिलाएं। ये दीनी मदरसे क्या हैं, ये मजालिस क्या हैं, ये आज़ादारियाँ क्या हैं, ये कुरान के आमाल क्या हैं, ये माह रमज़ान के इबादतें क्या हैं, ये सब मारूफ हैं, इनकी तरफ रग़बत दिलाएं। लेकिन जब रग़बत दिलाएं तो अल्लाह ताला फरमाता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती है अहसन। अल्लाह की तरफ बुलाओ लेकिन मौइज़े हसना से, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से। या इसी आयत को समझाने के लिए मासूम क्या फरमाते, कुनु दुआतन लिन्नासे, एक साहब तबलीग के लिए जा रहे थे, छठे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, कहा मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ, इमाम ने फरमाया तबलीग के लिए अच्छा, बहुत अच्छा काम कर, बस एक बात याद रखना कुनु दुआतन नासे बगैरे जबान, बस इस्तेमाल करना, यानी लोगों को अगर हमारी तरफ बुलाना है तो जबान से मत बुलाना, तो फिर मौला किससे बुलाए? तुम्हारा अमल इतना खूबसूरत हो, देखने वाला देख करके लगता है हुसैनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़र गरामी, कबूल हो ही नहीं सकता उस शख्स का अमल कि जो अपने आप को हुसैनी कहे लेकिन उसका अखलाक हुसैनी ना हो। हुर का लश्कर है, मौला को नहीं पता था यही लश्कर मुझे मेरे खिलाफ जंग करेगा, था ना, पानी पिलाया, इतना पिलाया कि असर आशूर जनाब सकीना याद करें मसाई पे नहीं, दो मिनट के लिए, एक वो वक्त था कि हुर के जानवर को तीन तीन बार पानी पिलाया गया, एक वो वक्त है कि हुसैन के बच्चों, ये हुसैन अखलाक सिखा रहे हैं। अज़न गरामी, आज हमारा मुकाबला यजीदियत से है और यजीदियत अलग अलग शक्लों में हमारे सामने आ रही है। अगर उलमाए कराम की हिदायत और रहनुमाई के साथ आगे नहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं पैर फिसल जाएगा, और पैर फिसला तो उमर साद जैसा हो जाएगा। उमर साद नहीं पहचानता था इमाम को, पहचानता था उस, जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि ज़रा हुसैन का काम तमाम करो, फिर रह के हुकूमत में लेके उसने कहा एक रात सोचने की मोहलत दे दे, यानी सोचने का टाइम चाहिए कि मैं हुसैन को कत्ल करूं या ना करूं। पूरी रात सोचता रहा मैं कत्ल करूं ना करूं, करूं ना करूं, करते करते शैतान बहका गया और वो काम कर गया जो तारीख में उसके लिए लानत डाल दिया। अपने बेटों और बेटियों को प्यार मोहब्बत से तरबियत कीजिए, विलायत मौलाए कायनात पर उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लाइए। आज दुश्मन को ख़तरा ज़्यादा हो गया है, आज दुश्मन को ख़तरा ज़्यादा हो गया है, जैसे कि इन उलमाओं की तरह अक्सर उलमा इस वक्त यूट्यूब पर हक गोई का काम कर रहे हैं। और एक देवबंदी के बहुत बड़े मुफ्ती ने माह रजब के जुमे के खुतबे में कहा अपने बच्चों के अकायद को बचाओ, इसलिए कि अब YouTube पे वो चीज़ें आ रही हैं जिससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पता चला कि क्योंकि तुम
हमारे तो, हम तो अपने बच्चों को नहीं कहता यूट्यूब से बचाओ, हम तो कहते हैं बच्चों को दिखाओ इसलिए कि उलमा की मौलाना शेर रज़ा आबदी वही उलमा है, सबके कोई ना कोई मजालिस हैं, दर्स हैं, क्यों हम नहीं रोकते? हाँ, बुराई से, गंदगी से रोकते, इसलिए कि हम हक पर हैं, हक जहाँ पर होगा हक ही रहेगा। बातिल घबराता है कि कहीं ये हक पर मेरा बेटा ना चला जाए। और जितना आप दूर जाएंगे मकतब से, जितना आप दूर जाएंगे क़यादत से, दुश्मन आप पर मुसल्लत होता जाएगा। आपके सिलेबस की किताबें बदलना शुरू हो गई, आपको नहीं पता चला, उलमा और कायद ने मिलकर मेहनत की, ज़हमत की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वापस उसी सूरत में आ रहे हैं। वरना उसको हीरो बना रहे थे जिसके बारे में कहने वाले ने कहा था, तूने तो कपड़े उतार के अपनी जान बचाई थी। हमारा हीरो वो नहीं है जो कपड़े उतार के जान बचाए, हमारा हीरो वो है कि जो सूखी रोटी खाकर जान बचाए। इस मकतब की अहमियत को जानिए और क़यादत के पीछे खड़े हो जाइए, उलमा का साथ दीजिए, मदारिस को मजबूत कीजिए, बेटे और बेटियों को मदरसों में भेजिए ताकि दीनी तालीम हासिल करें, उनके अखलाक अच्छे हों, उनका किरदार अच्छा हो। कम से कम जब मुझे कब्र में उतारा जाए तो मेरा बेटा या मेरी बेटी हाथ उठा के कहे वको रब्बिरहम हुमा कमा, चाहिए ना? मेरी बहनें आवाज़ सुन रही ना मेरी, उर्दू बोल रहा हूँ लेकिन आसान उर्दू बोल रहा हूँ, अपने बेटों बेटियों को इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से विलायत मौलाए कायनात पर लाइए कि उसके बाद वहाँ से वो हिलने की ख्वाहिश, इसलिए कि गुलाब के फूल को छोड़कर कांटे की तरफ कोई नहीं जाता है। बस मैंने आपका टाइम ले लिया, मेरा वजीफा था, मुझे दावत दी गई, मैं अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त से पहले मुझे टाइम दे दिया। सिर्फ इतना याद रखिएगा, जैसे ही आप सोना शुरू करेंगे वैसे ही दुश्मन आपके बच्चों पर मुसल्लत होना शुरू हो जाएगा। बाहर के हमलों को रोका है तो अब अंदर से हमले हो रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता क्या क्या हमले हो रहे हैं, होशियार रही है, होशियार रहिए, मराज एजाम से जो अहकाम आते हैं उनको समझिए, और रहबर मौज़म की तरफ से जो अवाम रहते हैं उनको समझिए, और कायदे मिलत जाफरे की बात को सुनिए ताकि आज तक प्यारे मुल्क पाकिस्तान में फितने को रोका गया है, मजीद रोका जाए। आपका इलाका वो है जो शहीद परवर इलाका है, आपके इलाके के लोगों को सबसे ज़्यादा शहीद किया गया, लेकिन आप ही के इलाके के शहीदों की बरकत से आज पाकिस्तान में मकतब इतना मजबूत है कि कोशिश की गई कि कुछ चीज़ें मुसल्लत की जाएँ। उस चीज़ का नाम अब लेना नहीं चाहता हूँ इसलिए कि वो बिल में घुस गया है, इसलिए नाम नहीं लेता। मकतब को एकदम से ग्रिप में लेने की कोशिश की, आपके क़यादत ने फौरन एक्शन लिया, अब वो चीज कहां चलेगी किसी को याद भी? हक में रहना मुश्किल है लेकिन शीरीन है, और ये बात किसने बता दी हमें? हमें हजरत कासिम ने बता दी। बस दो जुमले कहूंगा, जब शब आशूर इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल तुम सब शहीद हो जाओगे और सब खुशी खुशी बाहर निकल गए, हजरत कासिम खेमे के दरवाजे के पास बैठे थे, सर नीचे गए, बेटा कासिम तुम क्यों परेशान हो? कहा आका आपने कहा, बाबा आपने कहा, चचा भी कहते थे, आका भी कहते थे, आपने कहा कि कल सब शहीद हो जाएंगे तो मेरा नाम भी उसमें? इमाम ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हारा नाम है? बेटा कासिम शहादत तुम्हारी नज़र में कैसी है? कहा चचा अगर आपके रकाब में हो, अम्मू अगर आपके रकाब में हो तो शहद से ज़्यादा शीरीन है। तो कहा बेटा कासिम कल तू 6 महीने का अली असगर भी शहीद हो जाएगा। अज़ादारों ये जुमला मेरा काफ़ी है रोने के लिए, इतना याद रखिए कि जब तक अपने बच्चों को हुसैन के शहदा पर रुलाते रहेंगे, करबला का वाक़या सुनाते रहेंगे, आपके बच्चे इंशाल्लाह इसी तरह से हुसैनी होते रहेंगे। पालने वाले इस दो जुमले की अज़ादारी को कबूल फरमा, हमारी आकबत बखैर फरमा दे और हमें बेहतर इंसान बनने की तौफीक अता फरमा दे। जमाने के इमाम को हमसे राजी फरमा दे, और पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, कायदे मिलत जाफर रहबर मौज़म मराज एजाम सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा दे। मोमिनी जो आज़ादारियाँ बरपा करते हैं उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा दे। जहाँ जहाँ आज़ादारियाँ हो रही हैं पालने वाले वहाँ पर दुआएँ मांगी जा रही हैं, दुआओं को कबूल फरमा, जमाने के इमाम को राजी फरमा, उनके ज़ोर में ताजील फरमा दे। बस इतना बता दूँ कि बिल्कुल निसाब में बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह
कोशिश ये हो रही कि हम अपने मकतब के जो बने हुए निसाब हैं वो हमारे अपने स्कूल्स में लाकर चलाएं ताकि हमारे बच्चों को मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरबियत दी जाए। जो मदरसे चल रहे हैं, जो शाम के मकतब चल रहे हैं, उस पर भी ख्याल कीजिए। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आपके घर में कोई शख्स आकर दीन के नाम पर बच्चों को बेदीन न बना जाए। आप सब की सेहत सलामती के लिए, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, मजालिस के कबूल के लिए, बानी मजलिस और हाजिर मजलिस के हाजात की रवाई के लिए और उलमाए कराम की सेहत सलामती के लिए और ताजील ज़ुहूर इमाम ज़माना दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद।